चाहते हैं कैसे लेनी है। तो फिर चलते हैं डायरेक्ट अपनी पीसी स्क्रीन पे। तो फिर यहाँ पे जो आपको वेबसाइट दिख रही है, इस वेबसाइट को आपको यहाँ पे डाल देना है। कहाँ पे? अपने सर्च बार में, किसी भी एक ब्राउजर में जो भी पसंदीदा हो। और आ गए अपने इस पे क्रोम पे, और यहाँ पे हमने इस साइट को पेस्ट कर दिया है। तो पेस्ट करने के बाद ये आपकी वेबसाइट कुछ इस प्रकार की खुल जाएगी। तो फिर हाँ, ये देखिए, अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो आप यहाँ से रजिस्टर भी कर सकते हैं। आपको जहाँ से रजिस्टर करना है वहाँ से कर लीजिए, जहाँ से आपको सस्ते में मिले, ठीक है। तो अपने पास अब डोमेन आ चुका है, मैं कंसीडर करके ये चल रहा हूँ। आपको केवल होस्टिंग के लिए सर्विस चाहिए, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम थर्ड वाले ऑप्शन में आएंगे। हमारी पहले से वेबसाइट जिसकी चल रही थी, उसने यहाँ पे आके अपना नेम सर्वर चेंज कर लिया, ठीक है, चेंज कर लेना है। तो ये अपना डोमेन है, तो ये हम लोगों ने डाला, और उसके बाद जो आता है डॉट के बाद, वो अपना क्रोम था, तो अपने यहाँ पे डाल दिया। इसको हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये हमारा डोमेन वेरीफाई करेगा और कहेगा कि आपको इतने डॉलर्स देने हैं। तो हम भाई देखेंगे क्या क्या है। आओ, तो प्रोटेक्ट योर साइड विद SSL। नो नो, बैकअप नहीं चाहिए भाई। कुछ ज्यादा ही US डॉलर बना दे रहा है ये तो। ओ, तो अपन ने जो भी ये था ऐसा कहा वैसा ही रखा, ठीक है। तो ये सब अपने को ये सब मिला है, ये हमने कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये सब आ रहा है। अब यहाँ पे अपन से एक प्रोमो कोड मांग रहा है। प्रोमो कोड ये रहा अपना, इसको जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और वैलिडेट करेंगे, ये देखिए ये जो ये लिख के आ रहा है 4.95 USD, ये जो ये लिख के आ रहा है 4.95 USD, ये हो जाना चाहिए 0। तो हम इस कोड को वैलिडेट करेंगे, तो जैसे वैलिडेट करेंगे तो ये हमारे पास 0 हो चुका है। लेकिन बात आती है ये हुआ क्यों और ये कितने दिनों तक रहेगा। तो भाई ये तो मेरे को भी नहीं पता ये कितने दिन तक रहेगा, बट ये अब चल रहा है। तो जितने भी दोस्त हैं ना यार, शेयर कर दो यार, ठीक है। क्योंकि यार होस्टिंग जो होती है, अगर आपको एक अच्छी होस्टिंग मिल जाती है तो आपकी जो वेबसाइट है उसकी रैंक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि मान लो गूगल का एक एल्गोरिथम है जिसके थ्रू वो अपनी साइट को लिस्ट करता है। जितने भी, जैसे मान लो आपने सर्च किया स्पीकर, तो स्पीकर के लिए 10-15 साइट आ जाती हैं आपके सबसे पहले वाले पे। अब बात आती है सबसे पहली वाली जो वेबसाइट है, क्या उसमें रिलेवेंट कंटेंट है। कई बार देखने को ये मिलता है कि उसमें वो कंटेंट होता ही नहीं है कई बार, ठीक है। लेकिन वो सबसे पहले नंबर पे आ रही है, तो उसका एक फैक्टर ये भी होता है कि उसने बहुत सारी चीज़ें SEO फ्रेंडली बना रखी है। और SEO फ्रेंडली के लिए आपकी वेबसाइट तेज लोड भी होनी चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपकी वेबसाइट रैंक कराने का। तो अगर आपको एक अच्छी वेबसाइट होस्टिंग मिल रही है तो ज़रूर लेनी चाहिए। तो फिर हम यहाँ पे बाकी बातचीत ना करते हुए सीधा चेकआउट कर देंगे। हाँ, तो चेकआउट के लिए कह रहा है ओके। तो अपन यहाँ पे अपने पड़ोसी का नाम डाल देंगे, अपने नाम पे बिल नहीं चाहिए तो ऐसा कुछ नहीं है, अपने नाम ही डालेंगे। हाँ, और ये नंबर मांग रहा है, नंबर यार अपन इंडियन है। तो यहाँ पे मैंने अपना नंबर पेस्ट कर दिया है। कंपनी बोल रहा है ऑप्शनल है, तो भाई हम क्यों डालें ऑप्शनल है, तो हिस्ट्री डाल रहा है तो कह दूंगा नॉट अवेलेबल, जो भाई मेरा मतलब वही डाल दूंगा, जाओ। यहाँ लिख देते हैं नहीं बताऊंगा, और सिटी, सिटी अपन डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं यार, कौन तो ये चेक कर ही लेगा। यस, ठीक है। तो अपन ने ये सब डाल दिया है, ये घंटा कुछ चेक नहीं करवा रहा है यार, ये तो कंट्री भी नहीं ले पा रहा यार। कंट्री चलो तुम्हें सही डाल दे रहा भाई, कंट्री सही डाल दी है। और यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, भाई पासवर्ड डाल देते हैं अपन, ठीक है।
हाँ, तो फिर यहाँ पे अपन ने पासवर्ड डाल दिया है और ये सब हो चुका है। जो मेल स्ट्रिंग भाई चाहिए हो तो ले लेना, अगर इनके ईमेल नहीं झेलने हैं तो इसको तुम सिंपली ऑफ कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो कंप्लीट ऑर्डर करते हैं अपन, ठीक है। प्लीज करेक्ट द फॉलोइंग एरर बिफोर कंटिन्यूइंग टू यू यू एंटर। अब क्या गलत डाल दिया? नहीं यार, ज्यादा हो जाएगा। यहाँ कहीं का पत्थर डाल देता हूँ। ठीक है, अपन कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, तो यहाँ से कंप्लीट ऑर्डर करेंगे। हालांकि लग तो यही रहा है कि यार नेट भी लॉकडाउन हो चुका है इस लॉकडाउन के चक्कर में। अरे भाई, चाहता क्या है तू जिंदगी में? योर ऑर्डर नंबर इज कंटिन्यू क्लाइंट एरिया, हेलो कपिश। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे होस्टिंग मिल चुकी है। ये देखो, ये आपको मिल चुकी है, थोड़ी देर बाद पेंडिंग पड़ी है, थोड़ी देर बाद ये हो जाएगी एक्टिव, ठीक है। तो मेरे को तो चाहिए नहीं थी यार, इसलिए मैंने सही चीज नहीं डाली। आप क्या करोगे, अपनी इंफॉर्मेशन लगभग सही डाल देना, ठीक है। कहीं ना कहीं वो चीज एग्जिस्ट करनी चाहिए, नहीं करती है तो यार देख लेना गूगल पे, कहीं भी किसी भी किसी का भी पता फेल देना। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। बाकी तो आप समझदार हुई हो, क्योंकि आप मेरे चैनल पे हो, तो समझदारी की बात बनती है यार। ओके, सो थैंक्स फॉर लिसनिंग।